I'm doing this for my university project. I just got one question for you. Okay. What do you think about... आज यहाँ मौसम है बहुत बढ़िया, तो हम जा रहे हैं किट्सलानो बीच. लेट्स टेक यू देयर. ये यहाँ का कनाडा का वन ऑफ द बेस्ट बीच है, राइट सहज? व्हाट डू यू थिंक? या नो डाउट, नॉट वन ऑफ द बेस्ट ऑफ कनाडा बट वन ऑफ द बेस्ट इन वैंकूवर. ओके, वी गॉट अ रीफ्रेम इट, बेस्ट इन वैंकूवर. ये जो बंदा है गंजे से अगले वाला, ये रुको 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 कहाँ गया, ये नील नितिन मुकेश जैसा नहीं लग रहा है? बीच वाला? ना ना, ये तीसरे नंबर वाला. हाँ, बीच में ही है. हाँ, जिसने सर पकड़ रखा है ना, नील नितिन मुकेश ही लग रहा है. ये तो वही है. तो हम पहुंच गए हैं किट्सलानो बीच, लेट्स गो. हम यहाँ पहुंच तो गए लेकिन कार्ड नहीं चल रहा, और यहाँ पार्किंग के बिना अगर जाएंगे तो यहाँ तो मोटी टिकट लगाएंगे, कम से कम 150-200 डॉलर की तो टिकट लगाएंगे ही. पब्लिक पे पार्किंग, व्हाट डू यू थिंक कितने पैसे लगेंगे यहाँ 2 घंटे पार्क करने के? अगर तुमने सही बताया ना तो अगली इंस्टाग्राम स्टोरी पर तुम्हारा शार्ट आउट पक्का. तो अभी अभी सहज ने कुछ कहा जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसके बारे में. वुड यू लाइक टू रिपीट इट? आई टेक माय वर्ड्स बैक. मे बी किट्सलानो इज वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन कनाडा, लाइक मे बी व्यू वाइज. लाइक आई हैवंट नेवर सीन अ व्यू लाइक दिस. सो या व्यू भी हर चीज का, समझ जा. बोलता चाहे जमीन बिक जाए, जट तो बाहर ही जाऊंगा. I'm doing this for my university project. I just got one question for you. Okay. What do you think about global warming? I don't have time to. Okay, we will take that as unclassified. Guys, we need to see, we need to understand all this. Yeah. Especially इंडिया वालों, हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रही. ऐसी नहीं गर्मी पड़ रही, 45 डिग्री हो रहा है यहाँ, देखो थोड़ा तो ध्यान दे रहे हैं हमारे को. चलो, पर्क्स ऑफ लिविंग इन कैनेडा. मैं तो मेरे डैडी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने यहाँ भेज दिया, मैं तो नहीं आने का था. डैडी थैंक यू, मुझे पता आपने तो वीडियो देखनी है. बाय द वे, चलो तुम्हें बीच वॉलीबॉल दिखाते हैं.
यार पता है क्या हुआ, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी वो, और सारे हाय कर रही हैं, और मेरे पे मौका भी है व्लॉग के नाम पे, मैं कह दूं मैं कि आ जाओ कम क्लोजर से हाय, लेकिन अब तो बस पॉसिबिलिटीज ही रह गई हैं। उस टाइम तो हम नर्वस आ गए, क्या करें। मैं अभी सहज को प्रैंक करने जा रहा हूँ, सो विश मी लक। पानी मारेंगे पानी, लेकिन यार ये पानी चलाऊं कैसे, एक सेकेंड रुकी। एक हाथ में है कैमरा, एक हाथ में है पानी, और वो अभी वहाँ लेटा हुआ है, उसे पता भी नहीं कि उसके पास पानी आ रहा चल के, और उसके मुंह पे होने वाला छपाक। सो जस्ट वेट अ सेकंड। जी इतना पानी कहाँ से लेके आया? यार आते आते खत्म हो गया, लेके तो मैं बहुत आया था, हाथ अभी लेके आया था मैं। हाँ हाँ टाइम चाहिए, अभी लगेगा, रिस्क तो सही हो गई है पर बैलेंस आने में टाइम लगेगा। बस खाना बना दो हमारा, खाना बनवा दो। हाँ नहीं मैं let me talk to him, I will call बात करना होगा, बताना अभी मेरे को 5 मिनट दो। हाँ ठीक है ओके बाय। पता क्या हो रहा है, हमारे यहाँ हमने रखी थी खाने वाली आंटी, ठीक है, और प्रावा वो फर्स्ट टाइम उसने हमसे कहा कि हाँ कितनी रोटी बनवानी है, तो हम में से कोई बोल नहीं पाया। नहीं, और बोल दिया जी अपना। हाँ ये देखो ये शाना हमारा, ये क्या कहता है आंटी मेरी तो 10 बना देना बाकी इनका देख लो। क्योंकि एक साथ कौन कहे यार कि 50 रोटियां बनानी है। अब भाई उस बंदी ने एक दिन 50 रोटियां बनाई, दूसरे दिन 50 रोटियां बनाई, तीसरे दिन कहती है हमसे ना हो पाएगा। भाई यार अगर तुम रहते हो सरी के आसपास कहीं है, तुम्हारा कोई रहता है जो कि बढ़िया खाना बना सकता हो, आंटी अंकल डजंट मैटर, बस यार हमारा खाने का जुगाड़ करवा दो तुम। इतना कोई वो भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है कि हेक्टे का काम है, बस रोटी बना दो 40-50 फुलके बना दो, दो रोटियां बना दो, नथिंग हमारे जो से पूरी दुआएं देंगे आपको, बना जाओ प्लीज बना जाओ भाई यार। मामा देख ही रहा होगा ब्रो, रहने दे, नॉट वर्थ इट। तू उधर ले सकता है तेल वाले पे, तो मुझसे थोड़ा आगे हो पहन चुदा। खड़ा था मामा यार। देख लेगा ये तो, ये देख लेगा ब्रो, ये मोटा सा कद्दू सा वैसे है पहन चुद, तेल भर रहा है यार पहन चुद, कहाँ पकड़ेगा नहीं। हाँ तेल भर रहा है, जब ऐसी माड़ी किस्मत होती है ना तो पता नहीं लगता है, जैसे ही अपन मोड़ेंगे वैसे ही इसका तेल भरना ख़त्म हो जाएगा और ये फिर अपन को आगे फड़ लेगा। इट वॉज सो मच फन, राइट नाउ आई एम लुकिंग नाइस एंड टैन, अब तो बस टैन ही टैन होना और उसके बाद तो एफ ज़्यादा ही ज़्यादा दिखेंगी। और
कमेंट में ज़रूर बताना वो ग्लोबल वार्मिंग की जगह नेक्स्ट टाइम हम कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो हम बीच पे ऑलमोस्ट डेली कर सकते हैं. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू सी मोर ऑफ दैट कॉन्टेंट लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम.